हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू तो वेलकम टू यूपीएससी 247 सेलेक्शन इज द डेस्टिनेशन और इस सिलेक्शन के प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है इस जर्नी में हमें पेशेंस रखना पड़ता है बहुत ज्यादा जो यूपीएससी की जर्नी है इसमें आपके टैलेंट आपकी मेहनत के साथ साथ आपके पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बल्कि आप यह कह सकते हो कि ये एक सेकंड वेपन है यूपीएससी क्वालिफाई करने का कमीशन का जॉब आप सिविल सर्विसेज का जॉब पाने के लिए गुड मॉर्निंग तो पेशेंस पेशेंस क्या है तो पेशेंस इज नॉट अबाउट द एबिलिटी टू वेट इंतजार करने की क्षमता नहीं है बल्कि ये इंतजार करने की क्षमता ही नहीं है बल्कि ये आपको जब आपकी इस जर्नी में अच्छा एटीट्यूड रखकर चलने की क्षमता देता है कि आप बिना नेगेटिव सोचे हुए एकदम पॉजिटिव रहकर 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 शांत रह कर, काम रह आप अपनी जर्नी में चलते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का आप लोगों को टॉपिक तो मिल ही गया होगा आज जो है हम लोगों का क्या है एमसीक्यूज करने वाले हैं अब कई दिन से आप लोग लगातार पढ़ रहे हो लगातार पढ़ रहे हो आप लोग कई दिनों से तो आज लेक्चर नहीं है आज लेक्चर नहीं है आज क्या है तो आज है यहाँ पर एमसीक्यूज है ठीक है तो आप लोगों को मिल गया होगा टॉपिक कई दिनों से पढ़ते पढ़ते क्या है कि आप थक गए होंगे या बोर हो रहे होंगे तो आपका हुकिंग जरूरी है तो उसके लिए जो है ब्रेन स्टॉमिंग कैसे होता है तो जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे तो कथा की तरह आप सुनते चले जाते हो हाँ 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 है ना तो कथा की तरह लेक्चर लेना बड़ा अच्छा लगता है हर किसी को और बाद में उसी पर सवाल पूछो तब दिमाग फिर क्या होता है दिमाग में एकदम खोलता है दिमाग स्टॉमिंग होती है बिल्कुल दिमाग की कि अच्छा ये तो बताया था मैम ने कौन सा होगा याद नहीं आ रहा है तो बस वही हम लोग करने वाले हैं तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन होंगे आगे ऐसे बीच बीच में मैं आप लोगों की क्वेश्चन का लेती रहूंगी तो देखिए ये बैच चल रहा है हमारा 2023-24 वालों के लिए फाउंडेशन बैच है एकदम बेसिक से इन अभी फिलहाल एनसीआर चल रही है क्लासेज उनतीस तारीख से ये शुरू हो गया है आज छह तारीख है संडे ऑफ था अभी ज्यादा नहीं निकला है बारह तारीख से स्टैंडर्ड बुक बेसिक प्लस स्टैंडर्ड से एकदम प्रीलिम्स प्लस मेंस का शुरू हो जाएगी क्लास और वो क्लास स्टार्ट करूंगी मैं तो हिस्ट्री से आप लोगों की क्लास शुरू हो रही है ठीक है एकदम साउंड ठीक है एकदम साउंड ठीक है मैंने आप लोगों के बाद भी मैं सेशन देखती हूँ ठीक है कई लोगों को साउंड ठीक आ रहा है एक बार मैं फिर भी एक बार चेक कर रही हूँ एक बार फिर भी चेक करती हूं मैं एक सेकेंड अभी बताइए थोड़ा सा वायर लूज हो रहा था वायर लूज हो रहा था थोड़ा सा अभी कैसा है आप बताइए अभी ठीक है कई दिनों से आप साउंड साउंड कर रहे हो और जब मैं अपना सेशन खुद देखती हूँ चेक करती हूँ तो वह एकदम ऑडिबल होता है कुछ लोग कहते हैं कि क्लियर है कुछ लोग कहते हैं कि क्लियर नहीं है तो मैंने वायर टाइट कर दिया है मेरे ख्याल से अब कोई इशू नहीं होगा मेरे सामने तो साउंड बिल्कुल ठीक चल रहा है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एकदम लाउड एंड क्लियर है जैसे देखो सचिन कह रहे हैं शिवेंद्र कह रहे हैं और अच्छे बच्चे भी कह रहे हैं तो अच्छा बच्चा यानी आप सब लोग अच्छे बच्चे हो इसलिए अच्छे बच्चे मैंने कहा तो सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए क्वेश्चन लगाना है अच्छे से लगाना है तो, तो सबको क्लियर आ रहा है है ना जब भी आप मेरे से कहते हो साउंड का तो पह, सबसे पहले अपना चेक करो इस पे एक कहावत याद आया मुझे कि बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई है ना उसमें जो 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 अपने अंदर तो मुझसे बुरा न कोई कुछ ऐसे है मतलब जैसे ही हम खुद रियलाइज करते हैं खुद ढूंढते हैं तो आप कमी अपने में नजर आ जाती है अगर ढूंढते हैं तो लेकिन सबसे आसान क्या होता है सबसे आसान होता है कहना कि आप में कमी है है ना तो आप जो है इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें बाकी देखो साउंड का ऐसा होता है ना कि यहाँ पर हमें भी पता चलता रहता है सिस्टम में वो एक बना हुआ है ऐसा कि साउंड अगर मतलब हमारी तरफ से कोई कमी है तो रेड जल जाता है और एक जो ऐसी वाइब्रेशन होती है वो रुक जाता है तो हमें भी पता चल जाता है तो देखिए तो ये बारह तारीख से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी छह बजे से छह बजे से शाम को साढ़े आठ बजे तक ये क्लास चलेगी और आप इसमें आपको पूरा नोट वोट सब मिल जाएगा सबका तो जो कहते हैं कि नहीं, नहीं, हमको तो जब आप ऐसा करते हो तो और लगता है कि यही मेरे जीवन की कमाई है है ना तो आप लोग जो है बिल्कुल एकदम इसके साथ आइए और मेरा पूरा गाइडेंस पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ बना रहेगा तो मेरे कोड से आप लोगों का एट सेवन डबल नाइन में आप लोगों का ठीक है 8799 में पड़ रहा है ये 39000 का कोर्स जो 77% ऑफ के साथ मिल रहा है और ये अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए वहीं पर आपको मिलेगा तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए रेडी है ना आप लोग बिल्कुल सही हैं हाँ देखो किसी ने वो, मैं मैं कहावत भूल रही थी तो किसी ने मुझे एकदम सही बता दिया है वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू अच्छे बच्चे थैंक यू हाँ जी तो बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई ठीक है हो नहीं होगा कोई होगा तो ये सब जो कबीर बिहारी रहीम इनके जो दोहे हैं हमें जीवन की सच्चाई दिखाते हैं और बहुत ही साधारण भाषा में साधारण तरीके से एकदम समझ लो कि जो जीवन का सत्य है वो इन दोनों में मिलता है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेडी चलिए एकदम इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं। आसान से टफ तक हम लोग चलेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है तो इसमें आपको बताना है कि हरप्पन कल्चर के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो उसमें कौन सा फॉल्स है असत्य कौन सा है जी आंसर आ रहा है तो आंसर मिला जुला आ रहा है डी ए सी आ चुका है और लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक तो बहुत सारे लोगों का आंसर आया है ज्यादातर जो मेजोरिटी है आंसर का जो मेजोरिटी है आंसर का वो सी है बहुत कम लोग ए कह रहे हैं और जो लोग भी ए कह रहे हैं वो लोग सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ए क्यों होगा इसका आंसर लेखराज लेखराज जिन्होंने ए आंसर दिया है और एक ए आंसर मुझे ऊपर भी दिखा था किसका दिखा था शुभांकर रॉय चौधरी का तो आप लोग बताएंगे आप लोग बताएंगे कि ए क्यों होगा ए क्यों होगा मनोज कुमार कह रहे बी होगा हंड्रेड परसेंट नहीं जी बी बिल्कुल सही है मेसोपोटामिया के लोग इसीलिए सिंधन कहते थे इंडस लोगों को तो ए क्यों होगा इसलिए कि आप लोगों ने अपनी एनसीआरटी में पढ़ा होगा कि आज से सात हजार साल पहले सबसे पहले कहां के लोगों ने कॉटन की खेती की थी कहां के लोगों ने कपास उगाया था तो मेहरगढ़ मेहरगढ़ के लोगों ने ठीक है मेहरगढ़ के लोगों ने कपास उगाया था आज से सात हजार साल पहले और ये एक न्यूलिथिक साइट है नौपषाणिक स्थल है जहां पर सबसे पहले हमें सेटल्ड लाइफ स्थाई जीवन का हम लोगों को यहां से उदाहरण मिलता है जिसमें आप लोगों के में दिया हुआ है है चौकोर घर, चौकोर घर बने हुए हैं, है ना और यहाँ से हम लोगों को आ, वो जो है एक वो बरियल मिला है एक कब्र मिला है जिसमें एक पुरुष के साथ एक आदमी के साथ दो बकरियों को दफनाया गया है ठीक तो याद रखिएगा अगर हम लोग की करें, तो उसमें तो आ जाएगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का, का उत्पादन किया था तो नहीं कहेंगे कि सबसे पहले किया था मेहरगढ़ के लोगों ने और सिंडन बिल्कुल ठीक है मेसोपोटामिया के लोग इसीलिए सिंडन कहते थे क्योंकि तो कॉटन इनको सिंधु ठीक है इंडस रिवर के उस तरफ के लोगों से मिलता था इसलिए इन्होंने सिंडन कहा और ओमान और बहरीन के साथ ये व्यापार करते थे आप लोगों को मेसोपोटामिया का जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें दो नाम मिला है दिलमन और मकन दिलमन और मकन ये दो नाम मिला है दिलमन आपका ये बहरीन है मकन आपका ओमान है और यहाँ से व्यापार चलता था मेसोपोटामियाई और इंडस लोगों का भी ठीक है और कालीबंगा से तो मिला ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा इसलिए हो गया है छोटा इसलिए फॉन्ट हो गया है क्योंकि इंग्लिश भी डालना पड़ा है तो थोड़ा ज़ूम करके आप लोग पढ़िएगा ज़ूम करके देखिएगा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मिस्टर आई एस आपके डाउट को अभी दूर करूंगी पहले इस क्वेश्चन को करिए वेरी गुड तो बहुत सारे लोगों का बी आंसर आ रहा है तो जो लोग बी आंसर कर रहे हैं वो लोग सही हैं दूसरा और तीसरा इसमें सही है पहला सही क्यों नहीं है पहला सही क्यों नहीं है कारण बताइए कारण बताइए कि पहला सही क्यों नहीं है तो पहला सही इसलिए नहीं है कि हड़प्पा से कक्षों वाला जो सिक्स कितने रो मिले हैं तो यहां से हम लोगों को दो रो मिले हैं ठीक है तो इसलिए पहला आपका गलत है हाँ जी तो मिस्टर आयस का ये है कि मिस्टर आयस ये कह रहे हैं कि मेलुहा कहते थे वो मेलुहा इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा कहते थे क्योंकि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा का नाम नहीं मिला है हम लोगों को मेसोपोटामियाई इंस्क्रिप्शन में अभिलेख में तो ये इनको मेलुहा के नाम से बुलाते थे वही वो कहते कि दिलमन और मगन के बीच में एक मेलुहा है ठीक है लेकिन कपास के लिए उन्होंने सिंडन वर्ड का यूज किया है कॉटन के लिए उन्होंने क्या यूज किया है सिंडन वर्ड ठीक है तो इंडस सिविलाइजेशन को वो लोग लो मेलुहा के नाम से जानते थे उस प्लेस को मेलुहा के नाम से मे ही लोग बोलते थे लेकिन कॉटन के लिए उन्होंने सिंडन वर्ड का यूज किया है तो ये कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा ठीक चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग बिल्कुल स्टेशन को शेयर कर दीजिए रवि एकदम ठीक कह रहे हैं नहीं मिस्टर आप इस अपने नॉलेज को फिर से करेक्ट करिए तो काफी लोगों का आंसर आ गया है काफी लोगों का आंसर आ गया है बोथ आर करेक्ट दोनों ही सही है हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग ट्रेड बहुत ही लार्ज स्केल पर करते थे क्यों क्योंकि हम लोगों को जो है बहुत सारे जो है मिट्टी की सील्स मिली हैं धातु के सिक्के और सिक्के मत कहिए धातु के मुहरे कहिए आप यहाँ पे गलत आ गया है इसकी पुष्टि ये जो है नहीं लेट मी करेक्ट आप लोगों का यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल पहला ठीक है क्योंकि यहाँ पर धातु के सिक्के लिखे हुए नहीं तो क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा इसकी पुष्टि ढेर सारी मिट्टी के जो सील्स हैं क्ले सील्स हैं अर्दिन सील्स हैं उससे तो पता चल रहा है क्योंकि ये जो पैकिंग जैसे होती है तो जैसे ये एक बोरिया होता है कट्टा होता है उसके मुंह पर ये लोग मिट्टी लगा के सील मार देते थे पर यहां से हमें धातु के सिक्के नहीं मिले हैं आप लोग सी सी कह रहे थे मैं भी आप लोगों में आगे को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है ठीक है क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए तो यहाँ से माप तोल का अस्तित्व मिलता है हमें मिट्टी के सिल्स मिलनी है लेकिन हमें यहाँ से धातु के सिक्के नहीं मिले यूपीएससी आपको यही उलझाता है तो यहाँ तो इसमें केवल पहला हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को पिछले दो तीन दिन से जो लेक्चर चल रहा था वो इसमें वेरी गुड तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग मार रहे हैं बी तो जो लोग भी बी कह रहे हैं वो लोग सही हैं कुछ लोगों का डी भी आया है ल, जा, लेकिन बहुत सारे लोग बी भी, भी कह रहे थे तो जो लोग कह रहे हैं बी वो सही है हड़पाई लोगों को जो है <coughs> वो बुल बहुत पसंद था जो जिसके ऊपर आपका हम था मतलब हम बुल बहुत पसंद था पर उनको हाथी का ज्ञान भी था कैसे पता चलता है हमें तो हमें जो वो योगी की का जो सिल मिला है उस पर भी हाथी बना हुआ है और एक दो और सिल्स पर हाथी बना हुआ है। और राइनो की हड्डियां केवल आमरी में मिली है राइनो से ये परिचित थे राइनो के जानते थे देव, देवर फेमिलियर विद राइनोसोर बट ये सिर्फ कहाँ मिला है आमरी में नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको बताया है कि विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द हरपन कल्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सा इसमें एक सही नहीं है हड़प्पा संस्कृति के धार्मिक प्रथा के संदर्भ में Yes, हाथी की मूर्ति भी मिली है मैंने पिक दिखाया था आप लोगों को हाथी की मूर्ति भी मिली है तो इसमें बी सी की बाढ़ आ रखी है कुछ लोग डी भी कह रहे हैं कुछ लोग डी भी कह रहे हैं तो इसमें जो लोग भी बी कह रहे हैं वो लोग सही हैं इसमें आपको पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू तो ये जो एक मिला है हम लोगों को एक स्कल्पचर जो मिला है एक मूर्ति जिसके जो है उसमें एक वो मिल रहा है एक ग्रोइंग प्लांट निकला है उसकी नाभि से तो ये जो है आपकी उमेन बूम से निकलते हुए दिखाया गया ये कहाँ से मिला है आंसर बताइए जरा ये मिला कहाँ से है कहाँ से मिला है ये जिन लोगों ने बी आंसर दिया था वो बताएं कि ये कहां से मिला है फिर बहुत आसान है तनवीर कहां से मिला है फिर ये मोहनजोद्रो से तो गलत हो गया मोहनजोद्रो से तो गलत हो गया तो मिला कहां से है वेरी गुड तो ये हरप्पा से मिला है ठीक है ये हरप्पा से ये ऐसी मूर्ति का हरप्पा से ही मिली है एकमात्र हरप्पा से अब क्वेश्चन धीरे धीरे और फैक्चुअल होता चला जाएगा बताइए इसमें से कौन सा ट्रू है दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको ट्रू बताना है जो लोग रेगुलर क्लास में नहीं है रेगुलर रहिए है प्लीज तो बताइए इसमें कौन सा सही है तो लगभग सारे लोग गलत हैं लगभग सारे लोग गलत हैं यही फैक्ट है इसमें दोनों सही है दोनों लिवान जो कि पाकिस्तान में है ये भी एक फैक्ट्री साइट या फैक्ट्री साइट नहीं भी होगा तो ये वर्कशॉप जरूर होगा जहां बहुत सारे ज्वेलरी बनते होंगे और कासे की चीजें बनती होंगी क्योंकि यहां से ढेर सारे हम लोगों को क्या मिली है टुकड़े तो इसीलिए सिर्फ फैक्ट्री नहीं लिखा है लिखा है कि ये फैक्ट्री साइट और वर्कशॉप होगा तो ये पहला सही है ठीक और दूसरा भी सही है भीरना भीरना जो ये साइट है ये हरियाणा में ही इसका एग्जिकेशन किया गया है कुनाल और भीरना ये हरियाणा के न्यू न्यू साइट्स हैं हरियाणा में पाए गए ठीक है तो जिन लोगों जिन लोगों ने भी सी बोला था तो ये फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट याद हो जाता है हम लोग फैक्ट्स भूलते हैं जल्दी यूपीएससी वही क्वालिफाई करेगा जो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों को याद करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन डेकोरेटेड ब्रिक डेकोरेशन ऑफ द ब्रिक कहां से हमें मिला है डेकोरेटेड ब्रिक हमें कहां से मिला है राखी गरी बनावली हरियाणा में तो राखी गरी बनावली हरियाणा में तो और कोई साइट हरियाणा में नहीं मिलेगा उपेंद्र सिंह के सेशन में मैंने आप लोगों को बहुत साइट्स बताए हैं बहुत सारे और ये भी हम मैं पढ़ा चुकी हूं आपको वेरी गुड तो अब सभी लोग लगभग सही हैं काली बंगा काली बंगा से हमें ब्रिक मिला है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा जो वहां का सोशल ऑर्गेनाइजेशन था हरप्पा का जो वहां का सामाजिक संगठन था उसके बारे में आप लोगों को ये स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है कौन सा सही नहीं है सिमरन आई है आज क्लास में सिमरन आप डेली क्यों नहीं रहती हैं जो इस बार उपेंद्र सिंह का सेशन शुरू किया है वैसे मैंने कभी नहीं लिया है इसके पहले तो डेली क्लास में रहिए तो इसमें जो है सी और डी में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन था इसमें जैसे आंसर डी होगा आप लोगों को ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग लगे होंगे जैसे ये तो एकदम यहां कोई कंफ्यूजन ही होगा यहां पर भी अगर हम लोग बात करें कि जिस तरह से वहाँ उनकी प्लानिंग है जिस तरह से उनका प्रशासन है सिस्टमैटिक चलता था उससे हमें ये लगता है कि एक वहाँ पर स्ट्रोंग स्ट्रोंग एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कि स्ट्रॉन्ग मोनार्ची या स्ट्रॉन्ग इस तरह के प्रशासन तंत्र की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पर होगा और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले डेमोक्रेसी नहीं था ज्यादातर जगह पे जैसे ग्री, जाइए या फिर आप इजिप्ट में जाइए ग्रीस में हमें डेमोक्रेसी का पहला एविडेंस जो हमें ग्रीस में ही मिलता है वैसे भारत में भी था 16 महाजनपद के समय लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्रीस में यूनान में पर उस समय ओल्ड सिविलाइजेशंस में ज्यादातर जो है मोनारसी रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक मुनार्ची रहो सकता है जिस भाई लोग लोग डरते होंगे नियम कानून सख्त होगा तभी लोग इसका फॉलो करते होंगे तो इसको भी हम लोग सही करेंगे और अगर इस पे हम कहेंगे कि सिंधु राजतंत्र पे धर्म तंत्र का गहरा प्रभाव था और डी में आपको कंफ्यूजन होगा तो देखो यहां पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है पर यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी आर्कियोलॉजिकल कोई भी आर्कियोलॉजिकल ऐसा एविडेंस मटेरियल नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि वहां पर राजा था राजा हम अंदाजा अंदाजा लगाते हैं तो वहां पे हमें क्या देखा हमने कि इंडस लोग बहुत रिचुअलिस्टिक थे कर्म थे मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया है और जिस तरह से हम लोगों को स्नानागार मिले हैं जिस तरह से कालीबंगा में हवन कुंड मिला है जो फायर मिले हैं काली बंगा से, जो स्नानागार मिले हैं जगह जगह पर हम लोगों को बहुत सारी मातृदेवी की जो मिले, तो हमें लगता है कि यहां के राजतंत्र अगर होगा तो उस पर धर्म तंत्र का भी प्रभाव होगा पर हमें कोई भी आर्क्योलॉजिकल एविडेंस पूरा तात्विक साक्ष्य हम लोगों को इसका नहीं मिला है तो हम आंख बंद करके दी मारना था आपको कई बार यूपीएससी ऐसे बहुत सारी क्लोज ऑप्शंस देती है और आपको उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज करना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका पीवाईक्यू है ये पीवाईक्यू है ये मतलब पीवाईक्यू का भी एक स्टेटमेंट मैंने इसमें डाल दिया है मूवी में कुछ और दिखाया जाता है ना क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे क्या आप लोगों को संख्या कम हो रही है धीरे धीरे तो काफी कंफ्यूजन है यहां पर तो इसमें एक दो लोगों का आंसर सही है एक दो लोगों का जिसमें एक शुभाकर रॉय है डी हो इसमें तीनों सही है देखो ये आप लोगों का पीवाई क्यू था एक उस पी में आप लोगों का ये स्टेटमेंट दिया हुआ था दो हजार अठारह उन्नीस का है ये कि यहाँ पर ये प्रमुखतः जो है ये सेक्यूलर सिविलाइजेशन था इसमें रिलीजियस एलिमेंट्स तो थे बट वो डोमिनेंट नहीं थे वो हमें देख के ही लगता है क्योंकि अगर ऐसा डोमिनेंट होता तो हमें जैसे मेसोपोटामिया से हमें बड़े बड़े मंदिर मिले हैं और वहां से उनका पूरा हम लोगों को एविडेंस मिलता है कि वहाँ पुजारी ही हेड होता था और वही डिसीजन लिया करता था तो यहां से हमें नहीं मिला है तो ये बिल्कुल सही है और हम लोगों को जो फसलें मिली है मतलब जिसका एविडेंस मिला है जिसका एविडेंस मिला है तो उसमें लगभग ये नाइन ऐसे क्रॉप्स आते हैं मेन और देखो हम लोगों ने बात किया है लोथल भारत में लोथल एक पोर्ट साइड था और बेअ खम्बात के पास बेअ खम्बात से वहां से जो जहाज के द्वारा ये लोग बालाकोट डाबरकोट होते हुए ये लोग पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करते थे तो ये लोग जो ट्रेड जो इनका होता था वो वाटर और लैंड रूट दोनों से होता था और जो आप लोगों का हम लोगों को जो बैल गाड़ियां मिली हैं कई सारे हम लोग को खिलौना मिला है है ना टॉयज मिले हैं उन टॉयज से क्या पता चलता है हमें कि ये उसमें एक टॉय आप लोगों को दिखाया था ना मैंने पिक में जिसमें आपको दो बड़े बड़े पहिए वाला है और उसमें खूब सारा सामान रखा हुआ है और एक आदमी आगे बैठा हुआ है तो ये लोग जो लैंड रूट से करते थे या सी रूट तक जो माल ढोने के लिए जो साधन का इस्तेमाल करते थे वो बुलकाट हुआ करता था ठीक तो ये बहुत ही आसान था अगर जैसे कई बार अभी जो मैं सेशन ले रही हूँ उसमें कई बार जैसे इसमें मुझे सिमरन दिखी है आज आज मुझे सिमरन दिखी है लेखराज दिखे हैं और कुछ पुराने स्टूडेंट दिखे हैं मैं आप लोगों को कह रही हूँ बार बार कि आप ये मत सोचो कि ये पहले भी मैम ने पढ़ाया है आप अभी ध्यान से आप ये सोचो देखो हर बार होता क्या है मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब भी का एग्जाम होता है आपका प्रिलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है तो आप ये भूल जाओ कि मैंने पहले क्या पढ़ा है आप फिर से वो आप सारे सभी विषयों को फिर से ऐसे पढ़ो जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो उससे क्या होता है कि जो पढ़ा हुआ है वो तो तुरंत आपको देख के ही समझ में आ गया क्या ये मुझे याद है उसमें बहुत सारे आपको न्यू नए तथ्य मिलेंगे नया कॉन्सेप्ट मिलता है और इस तरह से फिर अगले प्रीलिम्स के एग्जाम तक जो एक साल का आपका समय होता है उसमें आपका फिर से वो विषय बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है आप ए, अगर 2022 का प्रीलिम्स नहीं निकला है तो 2023 में आप सेलेक्टिव मत पढ़ो सारे विषयों को थोरोली फिर से पढ़ जाओ ठीक है तो आप लोग सेशन में कॉन्टिन्यूस रहिए सेशन को देखते रहिए आप लोग चलिए ये क्वेश्चन देखिए जो उनका सोशल सिस्टम था अभी सोशल सिस्टम मैंने कराया नहीं है पर आप लोगों के प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ओके okay. नहीं ठीक है ऑफ करके भी क्लास लिया जा सकता है पवन पाठक ओके हाँ नहीं नहीं मुझे बहुत सारे लोगों का नाम याद रहता है कुछ लोग जो एकदम रेगुलर रहते हैं उनका नाम याद रहता है हाँ जी तो बताइए इसमें क्या सही आंसर है

हम लोग जैसे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर एकदम से जैसे यूरोप में जब था कि हायर क्लास के लोग होते होंगे और लोअर क्लास के लोग होते होंगे ये नहीं होता होगा ठीक है तो ऐसा लगता है कि एक मतलब इक्वेलिटी बेस्ड एक समाज होगा देखिए ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल है और मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पीडीएफ भी शेयर कर दिया है इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन हैं आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो यहां बहुत कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे आप लोगों का तो सिर्फ एक अभी तक स्टूडेंट है सिमरन सिमरन का आंसर देखा मुझे डीएम का आंसर देखा शिवेंद्र पिंकी ज्योति तो चनहूदड़ो हरप्पा मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है हमें ठीक है चनहूदड़ो से हम लोगों को ऐसा ही एक मिला है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते कुत्ते के पंजे का निशान मिला है और जब मैं आपको साइट्स पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछू कि जैसे यहाँ से हम लोग बैग जाते हैं ठीक है ऑप्शन सेम रहेगा एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछती हूँ कि कहा से हम लोगों को एक जार मिला है ठीक है एक जार मिला है जिसमें कॉटन है कॉटन क्लोथ है सूती कपड़ा सूती कपड़े का निशान हमें साबुत सूती कपड़ा कैसे मिल सकता है कपड़ा तो जल्दी सड़ता है तो कपड़ा तो मिल नहीं सकता है अगर ऐसे खुले में रहे तो महावीर स्वामी ने बारह साल तपस्या किया तो उनके सारे कपड़े सड़ गल के ऐसे ही झड़ गए उनके शरीर से तो कपड़ा जल्दी सड़ता है क्योंकि एक जार में था मर्तबान में था इसलिए वो हमें मिल गया है अब आपको ये यही सिमिलर ऑप्शन है और आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा होगा कहाँ से मिला है बहुत सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं इसमें मोहनजोदड़ो होगा तो ये जार जो है मोहनजोदड़ो से मिला है जिसमें दीपू कुमार ये लोग सही आंसर कर रहे थे और लोगों का मैं नाम कई लोगों ने किया जैसे जन फिरदौस तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो तो इस तरह से आप लोगों को फैक्ट याद रखने एक और फैक्चुअल क्वेश्चन देखिए ऐसे ही एक और फैक्चुअल From which में है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है वो खुश होके गाना शुरू कर देते है उसके मुंह से फिश गिर जाता है और लोमड़ी खा जाती है तो चलाक लोमड़ी की कहानी है ये ये कहाँ से मिला है हमें वेरी गुड तो बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है तो ये है लोथल लोथल से हम लोगों को एक पात्र मिला है मिट्टी का जिस पर ये ड्राइंग बनाया गया है ठीक है तो ये आप लोगों का ये सब कुछ यूनिक फैक्ट्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखिए इसमें ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये फैक्चुअल नहीं है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोहनजोदारो तो कुछ कुछ आंसर्स आने लग गए हैं मोस्टली आंसर सही हैं कुछ कुछ लोगों के गलत है तो इसमें आंसर हो जाएगा सी तो कब्रिस्तान जो ब्यूरियल ग्राउंड है उसका हम लोगों को कहां से मिला है हरप्पा से हरप्पा से हम लोगों को मिला है जिसको जो है समाधि आर समाधि आर की संज्ञा दी गई है तो हमें मोहन से कोई भी इस तरह का जो है बरियल साइट हम लोगों को नहीं मिला है सिमेट्री नहीं मिला है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड तो ये सब बहुत आसान सवाल था सब ही लगभग सही आंसर कर रहे हैं। तो ये आपका बुल हो जाएगा है ना और बुल के साथ साथ मैं आपको एक और बता देती हूँ कि हम लोगों को मेसोपोटामिया से एक सिलिंड्रिकल सील मिला है ऐसा और उस पर बना हुआ है बोट ठीक है ऐसे बोट बना हुआ है तो कभी अगर ये ऑप्शन आए तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया मेसो से हमें वैसे सील्स मिली हैं जिस पर बुल बना हुआ है और हम बुल बना हुआ है कुबेरदार बना हुआ है जो कि सिंधु लोगों का सबसे बड़ा साइन है इसके साथ हमें मेसोपोटामिया से एक ये मिला है आपको एक सिलिंड्रिकल सील भी मिला है मुहर मिला है जिस पर नाव बना हुआ है और ऐसा ही हम लोगों को भारत में कई साइड से ऐसा भी मिला है तो हम लोग इसके आधार पर भी कहते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पवन पाठक वो कंप्लीट नहीं है यहाँ पर फॉलो कर लीजिए आप यहाँ पर बहुत अच्छे से एक एक उसको करवा रही हूं मैं उपिंदर सिंह को एक एक उनके चैप्टर एक एक फैक्ट्स को करवा रही हूँ आपको बताना है कि जो पीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ सिविलाइजेशन इज फॉल्स उनके अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनमें कौन सा सत्य है तो यहां बहुत कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे यहां पर आप लोगों में बहुत कंफ्यूजन दिख रहा है तो सारे ही ऑप्शन सी डी ज्यादातर सी डी में है आप लोगों का तो इसमें आंसर हो जाएगा सी डी आपको पूछा है असत्य तो वेस्ट एशिया के साथ इनका व्यापार तो चलता ही था मेसोपोटामिया एग्जाम्पल है की बात कर रहे हैं तो पश्चिम एशिया के विषय में जानकारी थी तभी तो ये वहां से ट्रेड कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही आसान सवाल है जब भी कोई आप लोगों को जैसे ही पढ़ाना शुरू करता है इंडस सिविलाइजेशन वैसे ही वैसे ही वो आप लोगों से ये सबसे पहले यही बताता है डी 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 तो ये सबको याद है ठीक है तो कैरेक्टर है, है वो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही तरीके से चित्रण करता है सही तरीके से करेक्टली डिपेक्ट करता है अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन ये आपका पी वाई है वेरी गुड तो यहां पर भी आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि पहला गलत है पहला गलत है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे क्योंकि हमें महल और मंदिर ही नहीं मिला है बाकी वो देवियों की भी पूजा करते थे मदर गॉडेस और हम लोगों को लिंग मिला है पशुपति की मूर्ति मिली है यानी देवताओं की भी पूजा करते थे तो दूसरा सही हो जाएगा पर ये लोग कैरिएट का यूज नहीं करते थे ठीक है चैरियट कह लीजिए रथ का इस्तेमाल नहीं करते थे और ना ही ज्यादा ये घोड़े का इस्तेमाल करते थे तो इसमें सिर्फ दूसरा हो जाएगा ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन कहाँ से हमें प्रीस्ट का स्टैचू मिला है ये सबसे आज का सबसे आसान क्वेश्चन तो ये मोहन से मिला है वही प्रिंस जिस तरह ने ऐसे साइड से शॉल ओढ़ा हुआ है ये मोहन से मिला है हमें रेड जो सैंडस्टोन है वो हम लोगों को मिला है हड़प्पा से ठीक है ये भी आपका पीवाई है इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सोचो तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए जो आज की डेट में आपको बहुत ही आसान लगता होगा वेरी गुड तो फिर बाढ़ आ गया है इसी का गुड ऐसी कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों को हर क्वेश्चन में तो बिल्कुल इसमें सी सही हो जाएगा है है ना कि उन्होंने जो पशुपति रूप शिव का जो पशुपति रूप है वैसा ही हमें सील मिला है तो हम कहेंगे कि उनके सम्मान को उनको उनकी पूजा शुरू कर दी थी इन्होंने क्योंकि इनको ना तो अश्वमेध हम पढ़ नहीं पाए हैं इस तरह कुछ भी युद्ध का साक्ष्य नहीं मिलता गाय उनके लिए पवित्र थी या नहीं थी ये हम बता नहीं सकते हालांकि देख के लगता है कि यूनिकॉर्न और पंप बुल यानी एक श्रृंगी जानवर और कुबड़ वाला सांड इन लोगों को सबसे ज्यादा इनका प्रिय था और एकदम सेटल सिविलाइजेशन था तो इसलिए नहीं कह सकते कि सेटल नहीं था तो इसमें जो है कपल बरियल कहां से मिला है कपल बरियल हम लोगों को यहां से मे, इसमें से कहा से मिला है बिल्कुल गाय को मानते थे गाय की हड्डियां हमें मिली हैं हमें गाय का कोई सील नहीं मिला है बस नेहा लोथल तो ऑप्शन में ही नहीं है सारे लोग ए मार रहे हैं एक अमितेश यादव हैं जो कह रहे हैं बी बाकी सारे लोग कह रहे हैं धौलावीरा धौलावीरा तो इसमें राइट right आंसर है बी लोथल से भी मिला है कालीबंगा से भी मिला है ठीक है तो लोथल तो ऑप्शन में ही नहीं था तो नेहा ने लोथल कहा और बाकी सब लोग धौलावीरा कह रहे थे तो ये हम लोगों को इस प्रेजेंट ऑप्शन में कहां से मिला है तो प्रेजेंट ऑप्शन में ये हम लोगों को मिला है कालीबंगा से नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये देखिए ये इस बार सवाल आ गया है आप लोगों का यूपीएससी में बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें ज्यादा समय मत लीजिए इस आंसर को देने में इट्स ओके नेहा आपको ये तो याद था कि लोथल में है बहुत बढ़िया तो बिल्कुल यहाँ तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है यहाँ कोई शक की गुंजाइश नहीं कि ए है धौलावीरा और ये इनका वाटर मैनेजमेंट ही था जिसकी वजह से इनको ले लिया गया है हालांकि मिडिल टाउन भी हो सकता है कारण पर यूनेस्को ने इनको 2021 में इसको ले लिया नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड तो आप लोग ये सो, सोच रहे हो तो सिविलाइजेशन पे सारे क्वेश्चन हैं। तो जाहिर है कि इंडस ही होगा तो बहुत सारे लोगों ने मारा होगा तो हाँ जी इसमें हड़प्पा ही होगा सबसे पहले हम हड़प्पा संस्कृति में हरप्पन कल्चर में ही हम चांदी का उपयोग देखते हैं सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन भी है ये ठीक है वेरी गुड तो ये आप लोग का हो जाएगा आपका गुजरात सबसे ज्यादा गुजरात में हम लोगों को हर अपन मिले हैं अभी भारत के अंदर की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपर कॉपर चैडेट कहां से मिला है हमें वेरी गुड तो काफी सारे लोग काफी सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका दहमाबाद दहमाबाद एक ऐसा प्लेस है जो कि ये साइट था ये, ये साइट था और ये ताम्रपाषाणिक साइट किसका था तो जोरवे संस्कृति का जब आप लोग कैलकुलिथिक साइट जब पढ़ते हो ताम्रपाषाणिक संस्कृति तो मेन रूप से हम लोग किसको किसको पढ़ते हैं तो ये है आपका आहार जो राजस्थान कैथा या मालवा जो कि आप लोगों का है मध्य प्रदेश में और जोरवे ये है आपका जोरवे इनाम गांव महाराष्ट्र में तो जोरवे संस्कृति का ये साइट था दैमाबाद लेकिन बाद में यहाँ पर किलेबंदी देखी गई और यहाँ से बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियां हमें मिली हैं और बहुत सारे पॉटरी, पॉट पौर्ट, बर्तन मिट्टी के बर्तन मिले हैं हरप्पन तो इसका माना जाता है कि ये एक स्थल से ताम्रपाशाणी साइट में तब्दील हो गया था विकसित हो गया था हर, तो ताम्रपाणिक लोगों से कैलकुलेथिक लोगों से जो हरप्पन लोग थे वो ज्यादा डेवलप थे तो यहीं से हमें एक तांबे का क्या मिल गया है रथ ठीक तो दैमाबाद महाराष्ट्र में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये इनमें से कौन सा एक हर अपन साइट नहीं है ये देसलपुर है देसलपुर यहां पर थोड़ा वो आ गया है फ़ोन तो ये देसलपुर है वेरी गुड तो सारे लोग सही आंसर कर रहे पीवाई की आप लोगों को याद हो जाता है तो ये सोह गौरा है अच्छा एक क्वेश्चन और बता दीजिए कमेंट सेक्शन में देसलपुर है कहाँ कमेंट सेक्शन में बताइए कि देसलपुर देसलपुर अगर हरपन साइट है तो वो कहाँ पर है कहाँ पर है देसलपुर बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि देसलपुर कहां पर है ऑप्शन ऑप्शन पंजाब हरियाणा और गुजरात और राजस्थान बताइए कहां पर हो जाएगा ये वेरी गुड तो जो लोग भी गुजरात कह रहे हैं ये लोग सही आप लोग सही हैं। तो नख नखा नखत्राना तालुका है कच, कच के पास। वहां पर ये देसिलपुर है गुजरात में नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा साइट सी कोस्ट पर नहीं था कोस्टल एरिया नहीं था ये सभी हैं, इंडस साइट्स हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा साइट समुद्र के किनारे नहीं था आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का अभी तक आंसर नहीं आया इसमें ये कमेंट नहीं दिख रहा है आप लोगों का ओके आ गया है आंसर दिख नहीं रहा था कमेंट आप लोगों का तो जो लोग भी इसमें डी कह रहे हैं वो लोग सही हैं इसमें आंसर हो जाएगा डी ये कोटडी जी जो है वो सिंध प्रोविंस में खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सिंध प्रोविंस में बाकी आपका सुरकोटड़ा लोथल ये तो आपका गुजरात में है ही ये सारे बे ऑफ खंभात अरब सागर में बालाकोट डाबरकोट ये सारे जो हैं ये आपके क्या है? ये हैं ये कोस्टल साइट्स हैं यहाँ ये समुद्री रास्ते से जो व्यापार चलता था वो इन्हीं स्थलों से होते हुए चलता था लास्ट क्वेश्चन है ये आज का लास्ट लास्ट टू लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा ये सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे मतलब साबूत एकदम ठोस सबूत हमें किसका मिलता है आपको ये बताना है वेरी गुड तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा देखिए आत्मा और ब्रह्म का हमें कोई चर्चा इनकी उसे स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाए हैं पर कर्मकांड तो हमें इन मिलता ही है रिचुअल ये लोग करते थे रिचुअल हमें कुछ यज्ञ वेदियां भी मिली हैं लेकिन इसमें अगर हम लोग बेटर ऑल्टरनेट कहेंगे तो बेटर ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा तो बेटर सबसे बेटर ऑप्शन होगा मदर गॉडेज की मूर्तियां जो बहुत ज्यादा संख्या में मिली हैं ये तो हम केवल क्या है अनुमान हमने लगाया है स्नानागारों को देख कर ताबीजों को देख कर यज्ञ वेदियां मिली हैं तो हमने अनुमान लगाया लेकिन मातृशक्ति में कोई डाउट नहीं है जिस तरह से मूर्तियां मिली हैं मोहन हरप्पा से जिस तरह से वो प्लांट निकल रहा है बूम से वो मिला है तो ये मातृदेवी मातृ देवी में ये करते थे ठीक है तो चलिए फिर आज ऐसे ही आप लोग सेशन के साथ बने रहिए और मैं आप लोगों का इसी में कभी कभी मेंस का भी ले लिया करूंगी मेंस भी, मैं भी सक्षम हैं वो ले सकते हैं यूपीएससी अड्डा का सब्सक्रिप्शन और ये बहुत ही अब तक का एक तरह से समझ लो रेवोल्यूशनरी ये एक स्टेप है यूपीएससी अड्डा टू का कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में आज तक किसी ने भी ऑफर नहीं किया है स्टूडेंट्स को पूरा यूपीएससी का जीएस का कोर्स तो ये कोर्सेंट अब थर्टीड का कोर्स अभी ये एट सेवन डबल के लिए पूरा जीएस आप लोग का इसमें बारह महीने एक साल एक साल का ये वैलिडिटी है ये पूरा तो जल्दी कीजिए आप लोग इसमें आपका ज्यादा टाइम बचा नहीं है और ज्यादा निकला भी नहीं है आप तो लोगों ने हिस्सा लिया सभी लोग ऐसी ड्रॉप कर दिया है उपिंदर सिंह का सेशन जिस तरह से मैं अभी पढ़ा रही हूँ ऐसा पहले कभी नहीं पढ़ाया है मैंने तो आप इस सेशन के साथ बने रहिए इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी जहां मुझे जरूरत पड़ती है वहां मैं डाल देती हूँ जो मुझे उस किताब में नहीं मिलता तो इस सेशन को कॉन्टिन्यूसली वॉच करिए और मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उपिंदर सिंह की किताब अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप उनको नहीं सॉल्व कर पाओगे तो 2023 निकालना है 2024 निकालना है तो एकदम से एक विशेषन को मिस मत करिए तो यूपीएससी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग ताकि नोटिफिकेशन क्लास का आप लोगों को मिलता रहे और सेशन को शेयर करना ना भूले आज शाम को आज शाम को मैं आप लोगों को एकदम एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें कितने समय में किस विषय को पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन साइकिल अपना कैसे रखें 2023 वालों के लिए 2024 वालों के लिए तो आज शाम को छह बजे का सेशन जरूर लीजिएगा आप लोग तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन मिलते हैं शाम को छह बजे बाय